राजधानी के रूप में जो पहचान बनी है इस गौतम बुद्ध नगर की, जहां लोग आने बसने से डरते थे, आज वो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। आज प्रदेश में जितना निवेश हुआ उसका 26% निवेश आपके यहां हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज गुंडे बदमाशों की शरण स्थली थी ये गौतम बुद्ध नगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा। आज आपके सुशासन और आपके पुलिस व्यवस्था के कारण आज उनकी भय स्थली बनी है। आज गुंडे बदमाश आपके नाम से जानते हैं, और जिला बदर नहीं कुछ तो दुनिया से भी बदर हो चुके हैं। योगी 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 योगी, आपने कायाकल्प कर दिया है। आपने इस गौतम बुद्ध नगर का, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। 1,00,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी आपने इस गौतम बुद्ध नगर को दिए हैं। 35,000 करोड़ की लागत से जेवर एयरपोर्ट, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बना दी है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिजली की जरूरत पड़नी थी, 12,000 करोड़ की लागत से जिस पावर प्लांट और जिस एयरपोर्ट का आपने शिलान्यास किया था, आज वो उद्घाटन भी होने जा रहा है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी आपकी कार्य करने की शैली है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये दोनों कार्य मनाया जाते हैं। मेरठ की ऊंच रास्ता 2.5-3 घंटे में जाता था, 45 मिनट में हम जाते हैं। मथुरा आगरा लखनऊ तक 2 घंटे में से 4 घंटे में हम मथुरा आगरा लखनऊ तक जाते हैं। किसानों के मसीहा के रूप में ये क्षेत्र आपको याद रखेगा। जब मैं गया खुर्जा, जब मैं गया जेवर, तो किसान बोला कि साहब हम तो करोड़पति अरबपति हो गए, जो जमीन हमारी 3 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बीघा में कोई लेने वाला नहीं था, आज वो जमीन 20 लाख 50 लाख रुपए बीघा में। मेरे किसान भाई बैठे, बता देना ये सच है कि नहीं है। उद्योगपति विपिन मल्लन जी बैठे, बता देना सही है कि नहीं है। विजय जी विधायक जी बैठे। साथियों, मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और इस राजनीतिक सफर में मेरे चारों विधायक साथी, भाई पंकज सिंह जी, भाई केशवाल नागर जी, भाई धीरेन्द्र सिंह जी और बहन मीनाक्षी जी और भाई सिकंदराबाद के